पेशे से मैं ये हूँ, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई इंजीनियर बताता था, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बताता था, फिर आर्मी से रिटायर बताता था, मगर इनकम 3-3 लाख का था। मैं बोलता झूठ बोलते हैं सारे, बाकी मैं मगर सर्च पे जब देखा नहीं गाड़ी इनके नाम है आशीष शेखर, तो मन में उथल पुथल जाता था कि काश कुछ भी एक लीडर अच्छा ले जिससे मैं भी अपनी चीजों को अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से बात कर पाऊँ, लोगों को कम्युनिकेट कर पाऊँ, लोगों को कनेक्ट कर पाऊँ। तो प्लेटफॉर्म की हमेशा तलाश में रहता था, तो बहुत सारी कंपनियां कुछ आई गई, मारुति को ज्वाइन किया, मारुति में ऐसे टीम मैनेजर तक बना गाड़ी बेचने का काम किया, जहाँ पर मैंने लोगों को गाड़ी बेचना को सेल करते हैं, गाड़ी के बारे में डिजाइन हो गई है, गाड़ी के बारे में जो भी इंजन क्वालिटी हो गया, क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी डेटा जो हम बता सकते हैं तब गाड़ी के बारे में हम बताते हैं। वेस्टीज में आया 2019 में, वेस्टीज को प्रमोट करना चालू किया है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर, जहाँ पे मुझे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करना होता है, हेल्थ के बारे में अवेयर करना होता, मैं कहीं ना कहीं से मुझे लगता था यार मैं एज ए डॉक्टर बन चुका हूँ, जहाँ पर मुझे डॉक्टर को कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, फिर भी मैं अपने आप को डॉक्टर समझ बार निकल गए कुछ और चीजें। हम जो लोग मार्केट में 20 सालों से प्रोडक्ट यूज करें, चाहे टाटा का नमक हो, कोलगेट का बेस्ट हो, आप उनसे उनके चीज छुड़वा नहीं सकते, आप कुछ टाइम के लिए बदलने की कोशिश कर सकते हो, मगर वो आप कई बार सफल भी हो सकते, कई बार असफल भी हो सकते, मगर असफलता ज्यादातर हाथ लगती है, तो उसको भी बहुत शिद्दत के साथ किया, उसको बहुत जिद्दत के साथ किया। लॉकडाउन कोविड में भी मैंने आपको रन दे में भागा, गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, गाड़ी लिया, फॉरेन ट्रैवल किया यहाँ से, और अपने साथ कई दोस्तों को भी बाहर विदेश घूमने का मौका मिला, जहाँ बताया थाईलैंड जैसी कंट्री घूमने का मौका मिला। मैं फिर इस बिजनेस में एफिलिएट बिजनेस के अंदर, यहाँ पता चला एक अमेजोन जैसी कंपनी है जिसका मालिक दुनिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन है, तो मैंने सोचा कि मुझे भी इस बिजनेस को ज्ञान करना चाहिए, सीखना चाहिए, तो मैं रैपिड बाजार को ज्वाइन किया। रैपिड बाजार के बारे में जानना चाहा, कोशिश किया, यहाँ पर लगातार मीटिंग के लिए का हिस्सा बनना चाहिए, लगातार सीखने का ये रिजल्ट हुआ कि मैं रंजन सर से कम्युनिकेट करने लगा, रंजन सर के कनेक्ट में हो गया, और कंपनी कई बार अपन डाउन भी, हाँ मगर रंजन सर का जो बिल्कुल एक निश्चय दिल संकल्प था कि नहीं यार कंपनी को नंबर वन बनाना है, और नंबर वन हमेशा बनने के लिए या बनाने के लिए एक मेजोरिटी चाहिए, कम्युनिटी चाहिए, जिसके लिए हमेशा हम लोग तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो ये मेरी जर्नी की आई, मैं पीपीटी के माध्यम से आपको कुछ चीजें शेयर करूंगा, और मैं चाहूंगा मुझे क्लियर स्पष्ट बताएं जो होस्ट मेरी क्या आवाज क्लियर है या नहीं, जिससे मुझे भी पता चले हाँ मैं क्लियर बोल पा रहा हूँ, आपको समझा पा रहा हूँ। उसके बाद रंजन सर आएंगे, रंजन सर आपको ब्रीफ करेंगे, तो कोई भी मुझे बता सकता है एनीवन? सामान हो गया या मार्केट से जो भी आप लेते हैं वो सारी चीज सामान आप लेते हैं, चाहे वो क्लिनिक हो, चाहे जिम हो, चाहे आपका कुछ भी हो, आप जो भी चीजें दुनिया में इस्तेमाल करते हैं सारी चीजें रैपिड बाजार के माध्यम से आपको इस्तेमाल कराई जाती है। प्लीज अपने आपको म्यूट कर ले जो भी लीजर, अब बस चीजों को सुने, उसके बाद मैं रंजन सर को हैंड ओवर कर। आप सभी लोग का स्वागत है इस रैपिड बाजार ग्रुप के अंदर, रैपिड बाजार कंपनी के अंदर। आइए हम रैपिड बाजार के बारे में बात करें। रैपिड बाजार लगातार एक स्मार्ट, स्विफ्ट, स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर तरीके से काम कर रहा है, जहाँ पे एक सर्विस बेस्ड ई कॉमर्स कंपनी है, एक यूनिक कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है, जहाँ पे आपको
प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है यहाँ पर, आप सिर्फ पॉइंट्स के माध्यम से बड़ा पैसा यहाँ से इनकम कर सकते हैं और आप नहीं अपने पूरे आने साथी के साथ बिजनेस को व्यापार को कर सकते हैं। बड़ी एक्सपेक्ट है ऐसे भाई, ग्राहक खरीदार की क्या निंदा क्या चाहत होती है। ग्राहक जब भी कोई शोरूम या मॉल के अंदर एंटर करता है वो चीज़ें पहले पूछता है कि मुझे सर्विस अच्छी मिले, मुझे सामान डिस्काउंट में मिले, मुझे जो भी चीज़ें कम्पिटिटिव प्राइस पे मिले, साथ में एक एडिशनल इनकम मिले, चाहे वन टेट बाई वन टेट वन थ्री, एक के साथ दो फ्री, दो के साथ चार फ्री, ऐसा कुछ ना कुछ हम सोचते कि एक ऑफर मिले, हमारा जो भी ट्रांजेक्शन हो सिक्योर हो और हम जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, जो भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यू पी आई पेमेंट करते हैं, वो हमारा सिर्फ एंड सिक्योर हो, कोई झोल झाल कोई उठन पुटन वाली कोई बात ना हो। अगर हम एडिशनल इनकम की बात करेंगे भाई, एडिशनल इनकम इज रिक्वायर्ड, तो मैं बता दूँ ये पहले से चल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से इंसान महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कमाने वाले व्यक्ति के खाने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पे एडिशनल इनकम हर व्यक्ति को आज के दौर में कमाने का एक जरिया बन गया कि आपको हर व्यक्ति को हर लोगों को काम करना चाहिए। ठीक है, रैपिड बाजार क्या करता है, लाइफ को चेंज करता है, सात तरीके से इनकम पूल करता है आपको, सेविंग बिग वोकेशन मतलब आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, घर भी ले सकते हैं अपने, जो भी उधार करते हैं उसको क्लियर कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं, आप खुद के मालिक बन सकते हैं और एक एक ऐसा बिजनेस व्यापार करके जहाँ पर पूरे भारत के अंदर चंडी चीज व्यापार को अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, चाहे वो आपके मोबाइल फोन, गूगल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हो, जिन लोगों ने अपने आप को अपडेट किया हो, चेंज किया है, आज यही दुनिया में कामयाब है। आज से पहले देख लीजिए, याहू मेल को हम लोग इस्तेमाल करते थे, याहू मेल पे मेल क्या करते थे, मगर कहाँ गया याहू पता ही नहीं चला, याहू गया तो यहाँ को कौन खा गया, गूगल, गूगल ने क्या कि अपने आप को वक्त के साथ चेंज करता रहा, अपग्रेड करता रहा। इसी तरह स्मार्टफोन बहुत सारे आए, नोकिया आया, सैमसंग आया, मोटोरोला आया, मगर वक्त के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं किया तो मार्केट आउट हो गया। तो जिन्होंने अपने वक्त के हिसाब से चेंज किया, आज व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो है सोशल मीडिया से इतना कनेक्टेड लोग हो गए हैं कि क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से है। इसी तरह क्या गया कि आप भी अपने आप को बेहतर एडवांस बनाना चाहते हैं तो अपने टेक्नोलॉजी पे भरोसा कीजिए, जो टेक्नोलॉजी आपको दिया है उसके साथ जल्दी से जल्दी वक्त दीजिए, कहीं समय ऐसा ना हो, कई लोग समय का इंतजार करते हैं, अच्छा समय आएगा, समय आता ही हमें लाना पड़ता है और कई बार आप समय का दुरुपयोग करेंगे तो समय आपको मार्केट से आउट कर देगा। अगर हम बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग में सबसे ज्यादा प्रचलन आप देख सकते हैं 2020 में सबसे ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग का इस्तेमाल हुआ, लोगों ने घर बैठे बैठे अपने घर का दवाई, घर का राशन, कपड़े, जो भी वगैरह वगैरह चीजें ऑनलाइन से ही आना चालू कर दिया। अगर हम बात करेंगे रैपिड बाजार, रैपिड बाजार बार बार कहते हैं एक सर्विस बेस्ड ई कॉमर्स कंपनी है जहाँ पे यूनिक कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है, जहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग किया जाता है पॉइंट्स के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से, आपको बेचना कुछ नहीं, आपको सिर्फ लोगों को कार्ड की अवेयरनेस करना है, कार्ड के बारे में बताना है। रैपिड बाजार के एम्स है, टारगेट है कि लोगों को एक आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए, स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, जहाँ पे लोग एक अपने माध्यम से पैसा खुद तो कमाया, लोगों से पैसा कमाने के गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रैपिड वॉलेट इंक्रीज आपके हर महीने आपको इंक्रीज करता है, अपॉर्चुनिटी देता है, कुछ ना कुछ आपको एड ऑन लाइफ करने जीवन में एक नई चीजें लेके आता है, चाहे वो आपका कुछ भी हो, चाहे वो वकेशन हो, छुट्टी के अलावा घर हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, ये आपका एक लाइफ सिक्योरिटी हो, सारी चीजें देता है यहाँ से। बेनिफिट्स ऑफ रैपिड बाजार, आप रैपिड बाजार के अंदर आते हैं तो यहाँ पे व्यक्ति को क्या बेनिफिट मिलता है, सबसे पहले यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, आप पैन इन इंडिया पूरे भारत के अंदर कहीं भी बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, एक यूनिक कॉन्सेप्ट आपके लिए तैयार किया गया है, एडिशनल इनकम प्राप्त करने का एक मौका है, जहाँ पे आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ केवल एक कार्ड लेकर अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। यहाँ पे किसी भी अन्य व्यक्ति का व्यक्ति बिजनेस को कर सकता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, चाहे वो कंपनी का मालिक हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब वाला हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों ना हो या स्टूडेंट हो, सभी लोग, सभी तरह के लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ा लिखा है कोई मायने नहीं रखता, कितना पैसा कमाना चाहता है वो मायने रखता है, एक एडिशनल इनकम कमाने का एक जरिया है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देगा और आपको खुद को अपना बॉस बनाने का एक जरिया बनेगा, जो आपको खुद के मालिक बनेंगे, किसी दूसरे के ऊपर या चापू के ऊपर आप काम नहीं करेंगे। आप यहाँ पे एसोसिएट होते हैं, ज्वाइन होते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है, आइए हम जानते हैं। यहाँ पे चार तरीके का कार्ड है, कोई भी कार्ड लेते हैं यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो सिल्वर कार्ड हो, गोल्डन हो, प्लैटिनियम या डायमंड, कोई भी कार्ड लेंगे आप यहाँ से इसको बिजनेस को इंटर कर देंगे। प्लैटिनियम कार्ड की कीमत की बात करेंगे 1000 रुपए का कार्ड है तो रोजाना आपको यहाँ पे 500 रुपए मिलता है, गोल्ड कार्ड जिसकी कीमत 5000 है रोजाना आपको 2500 रुपए, प्लैटिनियम कार्ड 25000 का कार्ड है रोजाना 125 रुपए और डायमंड कार्ड है 1 लाख कीमत है डेली आपको 500 रुपए मिलता है। कोई भी कार्ड लेंगे इसकी लिमिट है 300% आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको 100% की खरीदारी 200% आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा पॉइंट्स के माध्यम से।
आप यहाँ पे किसी को स्पॉन्सरिंग करते हैं तो स्पॉन्सरिंग के ऊपर लेवल इनकम दिया गया है। अगर हम किसी को ज्वाइन कराते हैं 5% होता है, उस व्यक्ति को हमने ज्वाइन करा उसके माध्यम से कोई और लोग ज्वाइन करता है तो सेकंड लेवल पे 2%, थर्ड लेवल पे आपके 1% और चार लेवल से लेकर 7 लेवल तक 0.5% होता है। पॉइंट परचेज गिफ्ट कोड जो भी आप कार्ड लेते हैं डायरेक्ट इन्वाइट में सब किसी को इन्वाइट कर सकते हैं। टर्नओवर की बात करेंगे जो भी कार्ड लेते हैं 0.5 आपको मिलेगा सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपको इनकम आपके अकाउंट में जनरेट होती है। आपको पॉइंट जनरेट होगा उस पॉइंट को आप ट्रांसफर करेंगे आपके अकाउंट में रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 पॉइंट इसका तो 1 रुपीज होता है यहाँ पर मिलना 300%। हैप्पी यूजर की बात करेंगे हैप्पी यूजर सबसे बड़ा इनकम है। इस इनकम को लेने के लिए 20 लेवल तक हमें 20 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन कराना होगा। पहले लेवल से 10% है, दूसरे से लेके आपका 10 लेवल तक 5%, 11 से लेके 15 तक 2% है और 16 से लेके आपका 20 लेवल तक 1% है। हैप्पी यूजर लेने के लिए आपको कैलकुलेट होगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सारा कैलकुलेट होता है। बट आप इसको ध्यान रखें कि 20 लोगों को मस्त है ज्वाइन कराना, देन यू विल गेट हैप्पी यूजर इनकम। स्टार अचीवर, स्टार अचीवर एक ऐसा रैंक है जहाँ पे आपको सिर्फ करना कुछ नहीं है, आपको नीचे वालों को पल्ला आना, मतलब कर भला तो हो भला, दूसरों की मदद करो तो आपको मदद होता है। फर्स्ट स्टार के अंदर आपको करना क्या, 12 लोगों को सिर्फ 1 महीने के अंदर प्रमोट करना, बिजनेस को डायरेक्ट में लाना है, आपको प्रोमोशन मिलेगा। सेकंड स्टार में आने के लिए 5 लोगों को 5 स्टार बनाना है, 5 लोगों को 1 स्टार बनाना है तो आपको एग्जीक्यूटिव बैक मिलेगा। 3 के लिए 5 लोगों को सिर्फ 2 स्टार बना दें आप तो आपको ये 3rd स्टार में ब्रांडेड टाइम मिलेगा। 5 स्टार में आने के लिए करना होगा 5 लोगों को 3 स्टार बनाना होगा, 5 लोगों को सिर्फ 3 स्टार के लिए ये जो एंड्रॉइड मोबाइल कर भला तो भला है। उसको सिंपल एंड सोबर में बोलूंगा नीचे वाले को आप ऊपर अपने लेवल पे आ जाओ तो आप चेयरमैन नहीं क्लब मेंबर में जाकर डायरेक्टर तक बन सकते हैं। पेंडर, किसी दुकानदार को आप ज्वाइन कराते मस्ट कराते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया है कि आपको स्टार 3 स्टार होना जरूरी है, 2% से लेकर 4% तक आपको यहाँ पे मिलता है सिर्फ इंट्रोड्यूस करने का, दुकानदार को मर्ज करने का। सोशल सिक्योरिटी क्लब एक ऐसा क्लब है जहाँ पे आपके लिए स्पेशल डिजाइन किया गया है, मात्र 15 लोग को डायरेक्ट 6-8 दिन के अंदर ज्वाइनिंग कराते हैं। खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो गया, आपके साथ आप इस दुनिया में नहीं रहे तो आपको एक आपके फैमिली को सोशल क्लब ऐड करके आपको बता दो, आपको मेल डालना है कि भैया जो नॉमिनी थे ऑलरेडी पास अवे वो इस दुनिया से जा चुके हैं, तो आप इस मेल पे मेल करेंगे तो आपको फॉरवर्ड आएगा। अगर मान लीजिए 10 लाख लोगों की रेफरेंस है तो 10 रुपए का भी अगर वो लोग एक हेल्प करते हैं, एक लोग की मदद करते हैं ठीक है, इस क्लब के अंदर डालते हैं अपने अमाउंट पे, तो आप 1 करोड़ रुपए आपको नॉमिनी को राशि मिला जाएगा और प्लस नॉमिनी को इस बिजनेस को पूरा उठा के उसको दे दिया जाएगा, उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो ये सोशल सिक्योरिटी क्लब इसे बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। लाइफ टाइम क्लब अचीवर, इस क्लब में आने के लिए आपको करना है कि आपके लोगों को सहयोग देके इसको सिर्फ मैचिंग इनकम में लेके आना। सीनियर एग्जीक्यूटिव बनते हैं 2 लाख का मैचिंग करें, 25% का लेवल मिलेगा। रीजनल मैनेजर बनते हैं 10 लाख का मैचिंग करें अपनी टीम के साथ एंड्रॉइड मोबाइल, जहाँ पे डिप्टी मैनेजर 25 लाख का बिजनेस मिस्टर टू मैनेजर बनते हैं 1 करोड़ का बिजनेस एक एप्पल लैपटॉप एंड सीनियर मैनेजर बनते हैं 2.5 करोड़ का बिजनेस ट्रिप करने का मौका, विदेश जाने का मौका। जनरल मैनेजर में 5 करोड़ का बिजनेस अपने टीम के साथ दुबई टूर। रीजनल मैनेजर रीजनल डायरेक्टर बनते हैं 10 करोड़ का बिजनेस 10 लाख और डिप्टी डायरेक्टर बनते हैं 25 करोड़ का बिजनेस अपनी टीम के साथ, यहाँ पे 21 लाख रुपए रिवॉर्ड में आपको दिया जाएगा। डायरेक्टर बनते 100 करोड़ का बिजनेस अपने टीम के साथ 50 लाख BMW या ऑडिटर एक फिल्म से एक ले सकते हैं। जनरल डायरेक्टर बनते 300 करोड़ का बिजनेस 1 करोड़ की आपको रिवॉर्ड में दिया जाएगा। चेयरमैन क्लब में आती है आपको 1 करोड़ का बिजनेस जहाँ पे 2 लाख रुपए पर मंथ आपको 10 साल तक ऐसे रिवॉर्ड में दिया जाएगा। इसका वेबसाइट www.rapidpaka.in पे आप मेल कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। Terms condition बिल्कुल सिंपल है, स्पष्ट है। Rapid family member are always happy with our affiliate plan. Rapid member के लिए हमेशा Rapid group तैयार रहता है जहाँ पे आप खुश रहें, बेहतर रहें और अपने माध्यम से लोगों को भी खुश और बेहतर बना सके। कैशबैक पॉइंट 300 लिमिट मिलेगी, उसकी क्राइटेरिया शॉपिंग के लिए 100% है और 200% आपके अकाउंट में जाएगा जहाँ पे 10% डिडक्शन होना है, जहाँ पे TDS और प्रोसेसिंग फी 5% कटेगा। अगर मैं इसकी ग्रॉसरी की लिमिट की बात करूंगा 10,000 ग्रॉसरी लिमिट रखा दिया जहां 5,000 कैश और 5,000 आपने रिडीम शॉपिंग रिडीम से अपने पैसे को चेक करवा सकते हैं। अब इसकी लिमिट जो है डेली कैपिंग जो लगाया गया है 5,000 लिमिट लगाया गया है, कैपिंग भी बहुत जल्दी से बढ़ने वाली है लिमिट, तो आप लोग जाने रहें। रैपिड बाजार का ये आपका वेबसाइट है www.rapidbazaar.in। अगर आपको कोई मेल करना कोई सुझाव चाहिए तो आप इनको rapidbazaar.in पे मेल कर सकते हैं या support@rapidbazaar.in पे मेल कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको करना कि आपका नाम, आपका मेल आईडी, मोबाइल नंबर ठीक है, आप आपका जो भी कंसर्न है, आप कौन से स्टेट से हैं वो सारा मेंशन करें, आप
आपको 24 से 48 घंटे में आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा, रिस्पॉन्ड दिया जाएगा। तो चलिए, ये बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरा जो मैंने आपके लिए बताया। तो मैच बहुत ही कम समय में इस सेशन को मैंने प्रेजेंट किया। तो चलिए, मैं चाहूंगा मेरे साथ कुछ साथी हैं जो मुझे बताएं कि क्या मेरी बात आपको समझ में आई या अच्छी लगी। तो यहाँ पे हमारे साथ में रिफाकत सर, क्या मैं जो बता पाया सही बता पाया? सही इमरान भाई, बहुत जबरदस्त प्लान बताया और ऐसी चीजें बतानी चाहिए कि लोगों को समझ में भी आएगा। प्लान की जानकारी जब तक नहीं होंगे तो मार्केट में क्या बताएंगे। और प्लान बहुत अच्छा, जबरदस्त प्लान बताया आपने। और सारे लोगों को इस चीज की जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि पहले वाले प्लान में और अब वाले प्लान में फर्क है। क्योंकि ये वाला प्लान जो है बड़ा बेस्ट प्लान है, बहुत जबरदस्त। अगर इस सिस्टम को आप भी फॉलो करेगा, उस सिस्टम के साथ चलता रहेगा, तो बहुत जल्द अपना जो पहले का पैसा वो भी रिकवरी एकदम हो जाएगा और टीम भी काफी खड़ी हो जाएगी। चलिए, आई होप आप जिसका इंतजार था मैं उनको बुलाता हूँ। आज हमारे साथ ग्रेट मेंटोर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी के जो है ग्रुप के रंजन सर, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा रंजन सर, आप जहाँ भी हैं ग्रुप के अंदर, मुझे नहीं पता चल पा रहा कि आप हैंडल कर सकते हैं जिससे मैं आपको को होस्ट बना सकूं सर। चलिए, मेरी शायद मुझे पता चल पा रहा। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ लीडर को इन्वाइट करूँ, जैसे मैं इरफान जी हैं। हाँ सर, हो गए। चलिए, मैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसा लगा कि एक नई चीज, एक हम लोग को बहुत सारी जानकारियां मिली और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की जानकारी हम लोग पूरी टीम को इसी तरह कोऑर्डिनेट करते रहिए। और प्लान में बहुत सारी चीज चेंजेस हैं जिसमें लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर निकल के यहाँ से बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। तो बहुत रहा आज का सेशन, बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू इमरान, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय रेपिडियंस एंड रैपिड ग्रुप से जुड़े हुए तमाम ऑडियंस, कस्टमर्स एंड द रियल रैपिडियंस, जो कि जिनकी वजह से आज कंपनी को एक नई पहचान मिली। जहां पे दुनिया यह समझ रही थी कि ये चीज़ें चली गई है, वहां पे जो बाउंस बैक मिला है अभी के डेट में, वो एक्चुअली में रियल रैपिडियंस की वजह से मिला। सो थैंक यू सो मच अगेन टू द दोज गाइस हु सपोर्टेड द कंपनी वेरी वेल। एंड जैसा कि हम आप लोगों को बहुत पहले से भी बता रहे हैं कि मेरे भाई, कि हमारी कंपनी कुछ चैलेंजेस फेस की है, कंपनी गई नहीं है। और लाइफ में जब भी कोई भी चीज हो, जिंदगी में सफलता पाने के लिए जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है वो धैर्य रखना होता है, पेशेंस रखना होता है। अगर आप पेशेंस रखोगे तो दुनिया में बड़ी से बड़ी चीजें हासिल की जा सकती है। इस फॉर्मूले पे चल करके कई सारे लोगों ने हासिल किया है। And today the best example is आपके सामने खड़ा है रंजन कुमार, जहां पे जब हमारी कंपनी में थोड़ी सी चैलेंज क्या आई, लोगों की क्रिटिसिज्म की बहारें उड़नी स्टार्ट हो गई, बट इट वॉज द ग्रेट पेशेंस ही है मेरा सबसे मेन पिलर, जो बस सबकी सुनता रहा और अपना काम करता रहा। और आज करते करते कंपनी एक हाईवे पे आ चुकी है, दौड़ लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।
लास्ट जूम मीटिंग जब मेरा बर्थडे था, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने अपने टीम को सही गाइडलाइन देख करके फेज टू में शिफ्टेड कराएं, क्योंकि फेज वन से फेज टू में आने का जो मेन कारण था वो कॉज भी बताया गया था, और काफी लोगों ने बहुत ही शिद्दत के साथ बहुत ही तेजी से डेटा शिफ्टेड भी करा है, और आज अच्छे खासे कस्टमर मोर देन 17,000 कस्टमर आज इसके बेनिफिट ले रहे हैं। वही आज भी कुछ पीपल जो हैं हमारे अपग्रेडेशन से, हमारे अपडेट न्यूज से वंचित हैं, उनको सही जानकारी नहीं मिलने के कारण वो अभी भी भटक रहे हैं, उनको लगता है कि शायद सब कुछ चला गया, कोई चीज अपडेट नहीं है। सो अगेन मैं अपने रेपिडियंस से एंड तमाम ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब प्लीज वैसे लोगों को जिनको आपने कभी टीम में जोड़ा था या फिर उस आपकी टीम से बिलोंग करते हैं, आप उनको प्लीज सही गाइडलाइन दीजिए और उनकी शिफ्टिंग कराइए दूसरे तरफ। जब तक वो दूसरे तरफ शिफ्ट नहीं होंगे, सेम बेनिफिट उनको नहीं मिल पाएगा। और हम और हमारी रेपिडियंस ग्रुप ऑफ द टीम कमिटेड है 31 मार्च तक सारे लोगों को ढूंढ ढूंढ के शिफ्ट करके और उनको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए। 31 मार्च तक हम हर तरीके से डेटा को नए पोर्टल पे शिफ्ट करके उनको सारी सर्विसेज, तो ऑलरेडी नए पोर्टल पे मिल रही है लोगों को, विड्रॉल सेवा मिल रही है लोगों को, यूटिलिटी सर्विसेज मिल रही है, और कई सारे ऐसे जगह भी है जहां पे लोगों की शॉपिंग सेवा भी मिल रही है। तो जो न्यू फेज में जो हमारी अपग्रेडेड मॉडल जो रैपिड बाजार का आया है वो काफी बेहद खूबसूरत है, और इसमें अपग्रेडेड मॉडल में फीचर भी पहले से काफी अच्छा है। लाइफ में देखिए हम लोग हर पार्ट बाय पार्ट हर दौर पे कुछ न कुछ अपग्रेडेड खोजते हैं, पर जब बात कैरियर की आती है, जब बात बिजनेस की आती है, तो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, उसकी अपग्रेडेशन नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को अगर गाड़ी भी खरीदते हैं तो हर साल नया मॉडल अपग्रेडेड चाहिए होता है, बट जब कैरियर की बात आती है, कुछ सिस्टम की बात आती है, सिस्टम कुछ अपग्रेडेशन की बात आती है, तो नहीं नहीं मैं तो पहले जैसा था, कंपनी ने ऐसा पहले बताया था, अब ऐसे क्यों कर रहे हैं। जो पहले था और आज में जो चेंजिंग हुई है वो पहले से बेहतर हुई है, और ये कंपनी के हित में भी बेहतर है और रैपिडियंस के हित में भी बेहतर है। बिकॉज हमारी कंपनी का स्टार्टिंग से ही मकसद रहा है कि आपकी बेसिक नेसेसिटी के एक्सपेंस को कम करना और आपके लिए एक इनकम का सोर्स क्रिएट करना। चली गाड़ी चली, अच्छी चली, थोड़े बहुत चैलेंज जाए, उसे हमने सुधार किया और बेहतर तरीके से अपग्रेड करके अब एक अच्छी रफ्तार में आपके मदद से, आपके सहयोग से चली, क्योंकि आपने 6-7 महीने पेशेंस रखा, धैर्य बनाए रखा, सपोर्ट किया कंपनी को, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग अपने हैंग अराउंड जितने भी रैपिड से संबंधित लोग हैं या कोई भी हैं, उन्हें जानकारी दें, सही गाइडलाइन बताएं कि आपकी जो ओल्ड आईडी है उसको नए आईडी में कैसे शिफ्ट करना है, और वो चारों तरीके बता करके आप उन्हें शिफ्ट करा सकते हैं और उनको वो सारी सर्विसेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी जो पहले भी मिला करते थे। अब क्योंकि अभी के हमारे अपग्रेडेड मॉडल पे कई सारे नए फीचर्स ऐड हुए हैं, जैसे कि अब जो शॉपिंग करना है वहां पे 50% कैश लगता है। कई सारे लोग इस बात से भी चिंतित हैं कि पहले हम कैश नहीं दे रहे थे, अब हमें कैश देना पड़ रहा है। भाई कैश जो है ये तत्कालीन समस्या के लिए है, तत्कालीन टाइम के लिए है, क्योंकि इस 50% कैश एंड 50% वॉलेट में भी आपका एक नया इनकम, हिडन इनकम छुपा हुआ है जो नए फाइनेंशियल ईयर के पहले मंथ से स्टार्ट होगा। दैट्स कॉल्ड योर रीपर्चेज इनकम, जो कि शायद ये एफिलिएट, ये कार्ड वाली इनकम और उन सबसे ज्यादा बड़ी ही होगी। दूसरी चीज, ये कैश ग्रोसरी पे मैंडेटरी है, बट आने वाले न्यू फाइनेंशियल ईयर में ये चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एंड सम अदर ह्यूज मार्जिनेबल प्रोडक्ट के ऊपर से हटा दी जाएगी,
जैसे जैसे कंपनी की स्थिति सुधरेगी वैसे ये सुविधा भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इस बात से बिल्कुल ना चिंता करें कि हाँ भाई कंपनी ने ऐसा करा है, तो ये है, ये तत्कालीन समस्याओं से निकलने के लिए, कंपनी को बैलेंस मोड पे लाने के लिए ये चीजें किया गया है। और ये करने से हम काफी सिस्टम और संस्था बैलेंस हुई भी है और काफी बेहतर तरीके से आगे बढ़ी। वहीं कई सारे लीडर एंड हमारे रेविलियंस की जो मानसिकता हमें यहाँ तक वो समझ में आई कि अरे एवरीडे विड्रॉल जो है वो 1000 की है, तो नहीं मेरे भाई ये परमानेंट नहीं है, ये तत्कालीन समय के लिए है। तत्कालीन वो दायरा वो टाइम फिनिश होते ही ये विड्रॉल की लिमिट भी नेचुरल कर दी जाएगी एज पर द कार्ड। आइदर आप जैसे जैसे सिस्टम में स्टारडम गेन करेंगे आपकी उस हिसाब से लिमिट बढ़ती चली जाएगी। सो आप इस बात से बिल्कुल भी पैनिक या चिंता ना हो कि अच्छा कंपनी मुझे हजार 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 करके पे कर रही है, पहले वाले सिस्टम में बहुत अच्छा था, हम डेली ये करते थे, इतना कमा। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। सो ये आने वाले समय में इन सारी चीजों को आप आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। कंपनी कई सारे अदर फीचर भी इंट्रोड्यूस कर रही है क्योंकि आने वाले इसी समय में हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमारे कस्टमर को डेली बेसिक लाइफ में यूज में आते हैं। ग्रोसरी सुपरमार्केट वगैरह भी बहुत ही जल्दी लाइव कर दी जाएंगे एंड थ्रू द ई कॉमर्स हम बहुत ही जल्द वैसे शहर में भी मौजूद रहेंगे जहाँ पे आप स्टोर सुविधा नहीं है, वहां पे थ्रू द ई कॉमर्स हम वहां पे रहेंगे। आपको लास्ट मीटिंग में ही बताया गया था कि हमारे पास अभी एक और नया प्रोडक्ट ऐड हुआ है जो कि टूरिज्म से संबंधित है, जहां से आप देश विदेश की यात्रा वॉलेट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। उस पैकेज में आप 50% वॉलेट एंड 50% कैश का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिज्म का बेनिफिट स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हम लोग मार्च महीने से फर्स्ट बैच फ्लाई कर रहे हैं दूसरे जगहों के लिए। और साथ ही साथ में इस टूरिज्म के पैकेज के लिए कस्टमर बुकिंग के लिए आप इसकी भी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, जिसके जरिए आप वो कस्टमर को अगर टूरिज्म पैकेज देते हैं वहां पे भी आपको एक अच्छी रिटेल बेनिफिट मिलता है जब आप कस्टमर को सेल करेंगे। तो रही बात वही इलेक्ट्रॉनिक की, इलेक्ट्रॉनिक के भी हम लोग आने वाले समय में स्मॉल पैकेज से फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे 100% रिटेल बेनिफिट के साथ आपको मिलेगा, मीन्स जस्ट 2,50,000 रुपीज में आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम की फ्रेंचाइजी कहीं पे भी ऑन कर सकते हैं। वो स्पेस आपका होना चाहिए, आपको 5 लाख MRP वर्थ ऑफ आइटम कंपनी आपको प्रोवाइड करवाएगी। सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं। मुद्दा जो सबसे मेन एंड मेजर मुद्दा है कि पुराने लोगों का शिफ्टिंग, सर पुराने लोगों के शिफ्टिंग के लिए काफी हद तक 80% लोग ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं, बस 20% लोग वही लोग हैं जो शिफ्ट नहीं कर पाए हैं जिन तक या तो सही तरीके से जानकारी नहीं पहुंची है, अन्यथा हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनसे सही तरीके से जानकारी पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि शिफ्टिंग कैसे किया जाता है और शिफ्टिंग करने के बाद आपको वो सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे जो बेनिफिट आप यहाँ से ले सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, साथ ही साथ में यहाँ पे हमारे कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में सवाल होता है कि कंपनी आप कैसे चला दे रहे हो। सर कंपनी जो इस बार चल रही है वो 50% कॉर्पोरेट एंड 50% हमने एफिलिएटिंग का सहारा लिया है। एफिलिएट मार्केट का मतलब आप जानते ही हो, एफिलिएटिंग का मतलब है कि हर वो व्यक्ति एफिलिएटर होता है जो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करके और उससे जनरेट हुए गए बिजनेस से वो जो कमीशन उनको मिलता है, दैट्स कॉल्ड द एफिलिएट मार्केट। बट वहीं पे कई सारे लोग जो जुनूनी एंड पैशनेटेड होते हैं कि नहीं मैं इस काम में एक्सपर्टीज हूँ और मैं ये काम करते जाऊंगा, तो वो व्यक्ति अपनी परफॉर्मेंस के दम पे
बिना किसी हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट को लिए बिना वो कंपनी के पेरोल का हिस्सा बन सकते हैं, जहां से कंपनी उनको पेरोल देना स्टार्ट करती है, एक सैलरी देना स्टार्ट करती है जो कि 5,000 से लेकर के 1,00,000 रुपए महीने तक है, इंक्लूडिंग द TDS, DA मिला करके। इसमें आपका TDS भी कटेगा और ये 100% वाइट इनकम होगी, जहां से आपको एक सोशली रिकॉग्नाइजेशन मिलता है कि आप क्या हो, क्या कर रहे हो, यूं ही बेरोजगार चार कंपनी का फाइल लेके तो नहीं घूम रहे हो, एक आइडेंटिटी मिलेगी। और इस तहत आप चाहे तो एक अच्छी रिकॉग्नाइजेशन लेकर के बेहतर कैरियर रैपिड ग्रुप के साथ बना सकते हैं। हमारा 100% फोकस कॉर्पोरेट वे पे ही है, बिकॉज एफिलिएट मार्केटिंग इट विल बी द इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट, जिनको करना है वो करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। हम कॉर्पोरेट लेवल पे अपने लीडर को तैयार कर रहे हैं जो कंपनी के लिए जुनूनी हैं, पैशनेटेड हैं, वो चाहते हैं कि रियली में बेहतर कैरियर बनाएं, वो साथ में जुड़ कर के अपनी एक फिक्स सॉलिड इनकम क्रिएट कर सकते हैं, प्लस अपने अकाउंट के ऊपर जो भी इंसेंटिव बोनस कंपनी की तरफ से उनको एफिलिएट करने पे मिलता है वो सारा के सारा इनकम उनका खुद का है, अन्यथा उनको इसके साथ ही साथ एक डेडिकेटेड वर्क करना पड़ता है, तब जाकर के उनको एक स्टैंडर्ड सैलरी मिलती है। आज के डेट में अभी हमारे सिस्टम में 20 ऐसे रेपिडियंस ऑलरेडी पार्ट ऑफ द चीज ये बन चुकी है, जिनकी बदौलत हर उस इंसान की उम्मीद फिर से जग गई है जिनको लगा था कि उन्होंने एक ये भी नुकसान कर दिया। इन तमाम 20 लोगों को एज ए कंपनी के CMD मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी उनको थैंक्स एक बार जरूर बोलना, क्योंकि जहां पे आपकी उम्मीदें बिखर गई थी क्या होगा रैपिड का, क्या मेरे पैसे डूब गए, आपके कैरियर में क्वेश्चन मार्क था, वहां इस 20 वॉरियर ने मिल करके रैपिड को, रैपिड ग्रुप को फिर से खड़ा किया और आपकी उम्मीद को जगा दिया कि भाई आपके कुछ डूबे नहीं हैं, इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट, दिस 20 वॉरियर्स रैपिडियंस आर हियर टू रिकवर यू एवरीथिंग। सो आप उन्हें कुछ कहो ना कहो, दो सब थैंक बोल देने से आपका नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि जो नुकसान हो सकता था आज इन 20 लोगों की वजह से वो आपका पॉजिटिव ट्रैक पे आ चुका है। भविष्य में आप रैपिड के साथ काम करो ना करो ये आपका डिसीजन है, बिकॉज मैं भी ये मानता हूं कि अगर आपकी थॉट रैपिड ग्रुप के लिए ऐसा है कि अच्छा इस कंपनी में एक डालो तीन निकलेगा, भाई अभी लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, बोल दे रहा हूं कि दूर से नमस्कार है यार, इस कंपनी से दूर चले जाओ तुम, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने बनाया ही नहीं है ना। यहाँ पे कोई एक का तीन नहीं होता, यहाँ पे कंपनी आपकी मेंबरशिप सेल कर रही है और उस मेंबरशिप के जरिए आपको 300% परचेजिंग पावर मिलता है, जिसे कि लॉयल्टी पॉइंट बोलते हैं। बट द प्रमोट कुछ लोगों ने ऐसे किया, अरे भैया एक डालो तीन निकलेगा, अरे काहे का तीन निकलेगा, तीन में एक तुम्हारा ही है, तो यहाँ पे कंपनी ने शॉपिंग करने का एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया जिस रोटी कपड़ा मकान के लिए तुम दिन रात भटकते रहते हो, कहीं रोजगार करते हो, कहीं व्यापार करते हो, कहीं नेटवर्किंग करते हो, कहीं तरह तरह की एक्टिविटीज आप एवरीडे करते हो कि ताकि उससे कुछ चंद पैसे कमा करके अपनी और अपनी फैमिली की रोजमर्रा की लाइफ स्टाइल को फुलफिल कर सको। बस वही एक छोटी सी कॉन्सेप्ट तैयार करी जहां से ज्यादा लोगों को हम इस डेली बेसिक समस्याओं से बाहर निकाल सके और हमारे पास भी एक प्री कस्टमर पहले से तैयार, क्योंकि कस्टमर इज एवरीथिंग, पैसे से व्यापार कभी नहीं होता, नहीं तो हमारे हिंदुस्तान में एक पर एक पूंजीपति बैठे हुए हैं। अगर पैसे से व्यापार होता तो मेरे दोस्त आपको एग्जांपल के तौर पे क्या दूं, हमारे ही कुछ रैपिडियंस और साथीगण हैं जो रेस्टोरेंट पहले चला रहे थे, उनके पास कोई कस्टमर नहीं आ रहा था, बट जैसे ही दामन रैपिड का थामा उनके पास कस्टमर की भरमार हो गई, इतना हो गया कि वो खिला नहीं पा रहे थे, कस्टमर तीन तीन चार चार घंटे वेट कर रहे थे, वो आज जूम मीटिंग में है, सुन भी रहे हैं।
आगे भी कंपनी उनको साथ देगी। आई कमिटेड टू सपोर्ट हिम, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट की उन तमाम व्यक्ति के लिए बनाया है जो जिंदगी में सपने देखे, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हमने कॉन्सेप्ट उनके लिए बनाया है कि आप चाहे रेस्टोरेंट चलाने वाले हो, कपड़े की दुकान चलाने वाले हो, या फिर आप किसी न किसी प्रकार के बिजनेस कर रहे हो, बट हर बिजनेस करने के लिए सिर्फ पैसे लगा देने से आप व्यापार ओपन कर सकते हो, कस्टमर को नहीं लेके आ सकते। और कस्टमर लाने के लिए जो नए नए तरीके इस्तेमाल जो ट्रेडिशनल मार्केट में होती है कि हेवी डिस्काउंट देना, ऑफर देना, भाई वो सब क्यों देने की जरूरत है? आप उसमें थोड़ा सा हिस्सा रैपिड को दे दो, देखो रैपिड रैपिडियंस मिलकर के आपके व्यापार को चार चांद लगा देंगे। हमारे कॉन्सेप्ट इतने खूबसूरत थे कि ना जाने कितने लोगों ने कॉपी किया और आज भी कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करके उस मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और मुझे काफी खुशी हुई कि चलो मैंने कुछ तो ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया जिससे कि कोई दूसरे लोग भी इस मार्ग पे चल करके कई सारे लोगों की जिंदगी में कुछ तो रोजगार पैदा करें। बट रिक्वेस्ट वही है कि रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से काम कीजिए, ना कि उनको धोखा देने के उद्देश्य से काम कीजिए। हमारी कंपनी में जो छोटी सी लिटिल समस्या आई थी वो बैड टीम मैनेजमेंट की वजह से थी। कुछ सिस्टम में ऐसे लोग थे, उतार चढ़ाव हर कंपनी में आते हैं, हर व्यक्ति के लाइफ में आता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में आता है, बट प्रॉब्लम तभी तक प्रॉब्लम है जब तक कि उसकी कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है तो वो ऑफिशियली वो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बशर्ते थोड़े से वक्त के लिए आपको धैर्य रखना है और धैर्य रख के उस चीजों को सॉल्व होने तक का वेट कीजिए, फिर से वो सॉल्व होती है, आगे चलती है। डे टू डे लाइफ में आप अपनी ही लाइफ की प्रैक्टिस में अगर गाड़ी चला रहे हो, रास्ते में आपका फोर व्हीलर पंचर हो जाता है, तो क्या उस फोर व्हीलर बनाने वाले कंपनी के घर पे बम फोड़ देते हो क्या? या एकदम धैर्य से खोजते हो पंचर बनाने वाले को, उल्टा उसको पैसा भी देते हो कि अरे भैया जरा पंचर ठीक करो, और फिर खुशी खुशी उसी गाड़ी में सर्वाइव करके आगे बढ़ते हो। ये प्रैक्टिकल लाइफ है आपका। बट जब कैरियर की लाइफ में एक ऑर्गेनाइजेशन थोड़े पल के लिए डगमग क्या हुआ, बस भाई पेशेंस खो बैठे। बट खैर, हम पेशेंस खोने वालों के दम पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला रहे, पेशेंस रखने वालों के लिए। और अब तो मेरे भाई, जब हम उस वक्त नहीं घबराए जब घबराना चाहिए था, अब तो ऑर्गेनाइजेशन उठ चुकी है। ये साल उन तमाम लोगों को जवाब देने की बारी है जिन्होंने हमें कहा नहीं कर सकते, चुन चुन के जवाब, उनके सामने जवाब। ऑर्गेनाइजेशन हमारी उठ भी गई, हमारी टीम बहुत ही तेजी से हमारे कस्टमर को रिगेन भी कर रही है, और हम आगे भी पहले से बेहतर और नए एडवांस तरीके से अपने कस्टमर को सर्विस देंगे, बेहतर उन्हें सर्विस एंड फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए रैपिड ग्रुप आपके साथ है, और अब रैपिड ग्रुप बिल्कुल भी अकेला नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि शायद फेज वन में हम नाउ वी हैव मोर देन 20 प्लस रैपिडियंस जो हमारे भविष्य के बोर्ड ऑफ टीम के हिस्से हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकते हैं, और उसमें से चाहे तो आप भी बन सकते हैं। बिकॉज दिस इज द जस्ट अ इकोसिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है जहां पे इन करके मेहनत करके आप भी वो रिकॉग्नाइजेशन पा सकते हैं, आप भी उस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं, और आप भी उस मुकाम पे बैठ करके हम लोग साथ में मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरे हिंदुस्तान में फैला सकते हैं। सिर्फ फर्क माइंडसेट का है, सोच का है। सोच लिया तो सब कुछ मुमकिन है, नहीं सोचा तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। जिसने सोच लिया वो एक मामूली डिवाइस से पूरे हिंदुस्तान को कनेक्ट किया, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया। जिसने नहीं सोचा उस वक्त भी गाली दिया था। शेखर शर्मा जब 2004 में अपने दोस्त से बात किया था कि यार मैं इस दुनिया में ऐसा डिवाइस टेक्नोलॉजी लाना चाहता हूं कि आप फोन नंबर के जरिए आप किसी को बैंकिंग सेवा दे सकते हो, उस वक्त उसके हैंग अराउंड के दोस्त ने ना बहुत मजाक उड़ाया था। बट क्या हुआ इन 2009,
वही शेखर शर्मा ने ऐसी टेक्नोलॉजी दिया जो आज हिंदुस्तान में पेटीएम के नाम से मशहूर है, और पेटीएम की रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड, ना जाने कितनी कंपनियां मार्केट में आई, बट पेटीएम इज द पेटीएम द फादर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया। न जाने कितने लोगों को रोजगार दी और काम करने के तरीके को हिंदुस्तान में बदलाव लेकर किया है। रैपिड बाजार अपने हर उस एडवांस मूवमेंट के लिए ऑलवेज तैयार है, हर उस यूथ एंटरप्रेन्योर के लिए मोस्ट वेलकम है जो रियली में आपको लगता है कि आप विजनरी को एक बेहतर करना चाहते हो। आपको एक सही टीम चाहिए, सही ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जहां पे आप जुड़ करके अपने कैरियर बना सकते हो। मोस्ट वेलकम इन रैपिड। कुछ लोग अगर ये भी सोचते हैं कि अरे मैंने रैपिड में आकर के मैं फंस गया यार, मैंने मेंबरशिप ज्यादा ले ली या फिर आपकी अपलाइन ने ज्यादा दिलवा दिया, माय डियर फ्रेंड आपको भी मैं बोल रहा हूँ कि आप दूसरे पोर्टल पे शिफ्ट होइए और यहाँ की सेवा लेकर के जब लिमिट खत्म हो जाए प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ, रीस्टॉप अप मत कीजिए, अपने घर में बैठ जाइए, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ पे आलू डालो और सोना निकालो वाली चीज होती है। दुनिया में व्यापार एक ऐसी चीज है जहाँ पे उतार चढ़ाव इज मैंडेटरी है। बड़े से बड़े अंबानी अदानी हो या ऐसे हजारों करोड़ों ग्रुप चलाने वाले ऑर्गेनाइजेशन भी एवरी मंथ एवरी ईयर अप एंड डाउन करते हैं, बट ऐसा नहीं कि वो अप पे जाते हैं तो चीयर करते हैं, डाउन पे आते हैं तो बस सीएमडी को गाली देना चालू करते हैं। पेशेंस रखते हैं और समय के साथ वो एक बेहतर प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करते हैं। इट्स हैपेंड बिकॉज ऑफ द गुड टीम। मेरी फुलिसनेस थी एक बात जो कि मुझे आज बोलने में बुरा लग रहा है कि आई एम एडुकेटेड फ्रॉम बैंगलोर और मैंने ये चीजें आकर के एज ए बीइंग बिहारी बिहार में ही सब कुछ दे दी, जबकि मेरे कई साथीगण गुजरात से हैं, कई लोग कलकत्ता से हैं, कई लोग एमपी ऐसे हाईटेक सिटीज से हैं जहां पे बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं, वहां पे हर प्रकार की फैसिलिटी है, बट आई वॉज इमोशनल फूल। ओ मैं बिहारी हूँ, चलो कुछ बिहार के लिए देते, बिहार ने तो मुझे ठेंगा दिखा के स्टेट से बाहर कर दिया, बट फिर भी मैं नहीं मानने वाला मेरे दोस्त, बिहार में ही फैसिलिटी होगी और की बेहतर फैसिलिटी होगी वहां पे, क्योंकि किसी दो लोग 100 लोगों का विजन उनके ड्रीम को नहीं तोड़ सकता। जब मैं किसी व्यक्ति को यह बोल चुका हूं कि भाई तू इतने दिन रुक, तेरी हर समस्या का समाधान कर दूंगा, जब ऑलरेडी वो समाधान होता हुआ उनको दिख भी रहा है मगर पेशेंस नहीं है, नहीं पहले मेरी समस्या समाधान करो, मैं मुझे गाली देना या फलना दिखना, अरे बी कूल मैन। सबसे सबसे एक बेहतरीन लाइन है जब भगवान ने एक इंसान मतलब अपने एक व्यक्ति को कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी पढ़ के खुश हो जाए और अमीर से अमीर व्यक्ति भी पढ़ के खुश हो जाए, तो वो एक बेहतरीन लाइन था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब क्रिटिसिज्म की बौछारें गिर रही थी, लोग मुझे उसके स्क्रीनशॉट भेजते थे, तब मैं भी वही लाइन को याद कर रहा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा और हम तेरे सामने खड़े होंगे, कौन व्यक्ति सच्चा कौन व्यक्ति बुरा वो वक्त ही बताएगा। इरादे मेरे नेक थे जिसका नतीजा है ऊपर वाले ने ये 20 फरिश्ते भेजे जो शायद मेरे कंपनी के कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट लाइन में नहीं था, ना ही वो सेकेंड लाइन पे था, वो भीड़ का एक हिस्सा हुआ करता था फेज वन में, बट वो आ करके कंपनी के दामन को थामा, बोला आप खड़े रहो हम चीजों को खड़ा कर लेंगे, और उन्होंने खड़ा कर दिया। अब उन्होंने खरा मुझे इस लायक कर दिया कि अब तो हम दौड़ना स्टार्ट करने वाले हैं, और इस दौर में भाई स्पीड और पिकअप अब इतनी तेज होगी कि शायद आप सोच भी नहीं सकते कि क्या ये रैपिड कंपनी है जिसे कभी ये सोचा था कि वो सब कुछ खत्म हो गया। ये तो तूफान मचा रही है मार्केट में और इसकी आगाज भी इसी मंथ से स्टार्ट होगी और आपको दिखेगा, क्योंकि 2024 में हमारी अपनी कमिटमेंट है कि मैं बोलूंगा नहीं, आपको करके दिखा दूंगा और कर भी रहा हूं।
पहले से बेहतर आपको प्लेटफॉर्म दिया। अब मेरे प्लेटफॉर्म रात को सोते नहीं है, सुबह आपके उठने से पहले ही एक्टिव रहते हैं। वॉलेट भी हमारा पहले से बेहतर है एंड सिस्टम भी डे बाय डे अपग्रेड होता जा रहा है। सो मेरे दोस्त, तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद उन तमाम व्यक्ति को देना चाहूंगा जो पिछले 6-7 महीने से धैर्य बनाए रखे। तहे दिल से उन तमाम वेंडर को भी देना चाहूंगा धन्यवाद कि आप हमसे स्टार्टिंग में जुड़े थे और इस समस्या की वजह से आपके साथ व्यापार नहीं हो पाया। अब आप इतने दिन जुड़े हैं तो बस 31 मार्च तक और पेशेंस रख लीजिए, क्योंकि 31 मार्च हमारा पहला टारगेट है। हमारे जितने भी फेज 1 के डेटा है उनको केयरफुली पूरी तरीके से अपने फेज 2 में शिफ्ट करना और उनके फाइनेंशियल फंड को केयर करना और अच्छी तरीके से उनको सर्विस प्रोवाइड करना। ये डेटा जब अच्छी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा देन जो कमिटेड सर्विसेज है वो भी हर जगह पे एज पर द कंपनी बैलेंसिंग, जितना कंपनी स्टेबल होगी उस हिसाब से हर जगह पे शॉपिंग की सर्विसेज भी हम स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ में हमारे जितने भी वेंडर्स हैं जो हमसे जुड़े हुए थे उन लोगों को भी हम जल्दी ही एक्टिवेट करेंगे। जैसे कि पटना में हमारे किट्टो वाले थे, काफी अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, हाल ही में उन्होंने अप्रोच भी किया कि भाई क्या हम फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं, जो भी पुरानी है वो एक क्लोजिंग करके हम सेटल करेंगे बाद में जब कंपनी अच्छी तरीके से हेल्दी होगी। हमारे भाई साहब रैपिड फूड कोर्ट कंकरबाग वाले भैया, बहुत दिन पेशेंस रखे आप, बहुत हमारी वजह से सिस्टम की वजह से थोड़ी सी परेशानियां आपको भी आई, बट अब वो दौर आ गया है कि आप भी अपनी वॉलेट को एक्टिवेट करें और कस्टमर को सर्विस देना चालू करें। जिस ड्रीम, जिस विजन के साथ आपने रेस्टोरेंट खोला था, जिस जुनून के साथ आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, उसको आप एंजॉय करें। और ऐसे तमाम और भी जो वेंडर्स हैं वो सारे के सारे एक्टिवेट हों, बट आफ्टर 31 मार्च इन अ न्यू फाइनेंशियल ईयर उन सब के लिए हम ऑन बोर्ड करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे। तो मेरे दोस्त, नई सोच नई उड़ान के साथ रैपिड के साथ उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हम लोग अपने साइड से रेडी हैं और जो तैयार नहीं भी हैं उनको हमारे रैपिडियंस प्लीज उनसे कॉन्टेक्ट करके जिनको लगता है कि हम फंस गए हैं उनको अच्छी तरीके से सुलझा के बाहर निकाल दीजिए कि ताकि कोई भी एक ऐसा रैपिडियंस ना रहे भविष्य की कोख में जो यह कह सके कि रैपिड ग्रुप में मेरा 1000 रुपया भी फंस गया है ना। 1000 का उसका 2000 ही चला जाए मंजूर है मुझे, पर एक भी ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो यह कहे कि हमारा रैपिड में एक भी चबन्नी फंस गया। चाहे उसके लिए अगर हम 6 महीने इतने डेडिकेशन के साथ काम किए तो अगले 6 साल और करेंगे, बट एक एक रैपिडियंस को चुन करके यहां से फ्रीडम कीजिए। और जिनको लगता है कि हम सही हैं, हम ये कॉन्सेप्ट बेहतर के लिए लाए थे, इससे आपकी भी बेहतरी है, समाज की भी बेहतरी है, कंपनी का भी बेहतरी है, आप एक पैशन एंड जुनून के साथ काम करें, आने वाले समय में कंपनी भी आपको पेरोल पे लेगी, लीगल तरीके से आप कंपनी के पेरोल पर्सन रहेंगे और आप अपने टैलेंट पे चाहें तो कंपनी के उच्च पदाधिकारी पोस्ट पे भी आ सकते हैं, क्योंकि कंपनी परिधि करनी है मुझे, नेशनल लेवल पे हर स्टेट हर शहर में फैलानी है मुझे, तो ऑफिशियली मुझे भी हेल्पिंग हैंड चाहिए, हेल्पिंग हैंड चाहिए, एडुकेटेड हैंड चाहिए, एक्सपीरियंस हैंड चाहिए, और वो आपके काम और आपके तजुर्बे से आएगा, आपकी सर्टिफिकेट से नहीं आएगा। इसलिए लेयर बना हुआ है हमारे पास कंपनी के पेरोल पे शिफ्ट होने के लिए 4 लेयर्स हैं। आप जैसे ही काम करना स्टार्ट करते हैं हमारी टीम आप पर ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करती है और ऑटोमेटिक हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी कि कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप क्वालिफाइड हैं कंपनी के पेरोल एम्प्लॉय बनने के लिए,
आप अगर और आगे बेहतर करेंगे तो इससे भी बेहतर जा सकते हैं। सो सिस्टम और भी बेहतर तरीके से है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम्स बहुत ही जल्दी आप लोगों को अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, बिकॉज आज के डेट में कंपनी अकेले नहीं रही है, एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस पीपल को एज ए बोर्ड में शामिल किया गया है। साथ ही साथ में हमारे रैपिड ग्रुप ऑफ द पीपल्स के भी कई सारे लोग जिन्होंने अपने दम पर अपने मुकाम अपनी काबिलियत को दिखाए हैं वो भी रैपिड ग्रुप के बोर्ड ऑफ टीम में हैं। सो मेरे दोस्त, आप में से जो कोई भी व्यक्ति अगर सुन रहे हो इस शब्द से अगर नाराज हो कि अरे मेरा कुछ हो गया, मेरा कुछ लॉस हो गया, मैंने ये बातें आपको अक्टूबर में भी बताई थी और आज भी बता रहा चीजें करेक्ट हो रही है, काफी हद तक करेक्ट हो गई है। आप अपने करेक्ट लीडर को चुने या अपने लीडर को एक्टिवेट करें कि भाई तू सिस्टम करेक्ट हो गया है, तू बता कैसे सिस्टम को ये करना है, सिस्टम में इन होइए, बेनिफिट एंजॉय। दो तरीके के लोग हैं जो आगे के रैपिड के साथ पढ़ना चाहते हैं, वो प्लीज इंटुइशन पैशंस एंड पेशेंस के साथ काम करें, आपको सफलता हमारी साथ जरूर मिलेगी। जिनको लगता है कि आप गलत जगह पे हैं, आप अपने आप को शिफ्टिंग कीजिए, बेनिफिट लीजिए, बेनिफिट एंजॉय करके री टॉप अप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ना हम उस स्कीम के साथ उतरे हैं, ना हम उस स्कीम का बेनिफिट हम चाहते हैं कि आप ऐसी सोच के साथ आए कि रैपिड आपको 1-3 देने वाला है या मनी ये पैसे का दुगुना तिगुना वाली कोई स्कीम चला रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई स्कीम हम नहीं चलाते और ना ही भविष्य में चलाएंगे। तो थैंक यू सो मच इमरान, आई होप मेरे मैसेज क्लियर तमाम रैपिडेंस तक पहुंचे हैं और आज नियर अबाउट 200+ लोग आए हैं। हम आप लोगों से आग्रह यही करेंगे कि आप प्लीज कम से कम ये मैसेज 2000 रैपिडियंस तक पहुंचाएं जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि रैपिड का क्या होगा, रैपिड कैसे आगे बढ़ेगा, रैपिड में मेरी मेंबरशिप का क्या होगा, उसे मैं कैसे सर्विस ले पाऊंगा। इन तमाम जानकारी हमारे रैपिडियंस के पास है, हमारे रैपिडियंस एंड लीडर से आप कॉन्टेक्ट कीजिए, उनसे सही अपग्रेड लीजिए और उस चीज का बेनिफिट कीजिए। अन्यथा वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जगह जगह पे हमारे लीडर सेमिनार स्टार्ट करेंगे और अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट होगा और अक्सर वीकली वंस जूम मीटिंग में हमारे भी संदेश आप तक पहुंचेंगे और आप उस गाइडलाइन को फॉलो करके अभी भी आपके पास 31 मार्च हमने अपने और अपने टीम को मौका दिया है, जितना तेजी से लोगों को कन्वर्ट कराइए, शिफ्ट कराइए बेहतर रहेगा। नहीं जो लोग कर पाए वो हम डेटा फिल्टर निकाल करके फिर उन लोगों को फोर्सफुली कंपनी किसी न किसी व्यक्ति की टीम में शिफ्ट कर देगा या फिर डायरेक्टली उसे कंपनी अपने साइड से अपने डेटा को शिफ्ट करके एक्टिवेट करके उनकी सर्विसेज स्टार्ट कर देगा। सो आपके पास मौका है एक नई टीम बना लेने की, उन लोगों को सही तरीके से गाइडलाइन कर देने की। और मैं बता दूं कि आने वाले ये कुछ ही महीनों में अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, इन तमाम महानगर में रहेंगी। फोकस हमारा 100% महानगर में होगा क्योंकि रूरल प्लेस पे जहां पे बड़ी से बड़ी कंपनियां भी दामन थामने नहीं आई आप लोगों का, वहां पे मैंने हाथ बढ़ा करके देख लिया कि क्या होता है। आगे हम सबको पता है मेरे दोस्त, है ना, मगर इतना जरूर रखो कि जहां से भी हो रैपिड तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ने वाला, चाहे हम मेट्रो सिटी से ही क्यों ना, मगर हमारे हाथ वहां तक पहुंचेंगे। अगर आपको कभी भी कोई भी समस्या हो तो ऑलरेडी वॉलेट में सपोर्ट सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है, अपनी दिल की बात आप वहां पे आराम से लिखिए, मोस्ट ऑफ द लोगों को विद इन द टाइम वहां पे रिप्लाई जरूर मिलेगा। जैसे जैसे हमारे सिस्टम में कस्टमर केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली टीम की जनसंख्या बढ़ती जाएगी, रिप्लाई आपको और फास्टेस्ट एंड फास्टेस्ट मिलता जाएगा। अगेन मैं बता रहा हूं कि ना ही 2022 में हमारा इंटेंशन गलत था, ना 2023 में और ना ही 2024 एंड द फ्यूचर में,
हमारा मकसद है कस्टमर डेटाबेस को क्रिएट करना और उस डेटाबेस से जुड़े हुए तमाम बिजनेस ऑर्गेनाइजर को उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करना और साथ ही बिजनेस को ऊंचाई पर लेके जाना। आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति इस इंटेंशन के साथ किसी व्यक्ति को नहीं मेंबरशिप सेल करें कि भाई साहब आप यहाँ पे 1 करोड़ रुपया डालो आपको 3 करोड़ रुपया मिलेगा, सर ऐसा कुछ नहीं। आप हमारे पास जो भी बाइक करते हैं वो वही वैसा ही मेंबरशिप, मैरियट होटल की मेंबरशिप बाई करते हैं, किसी रिसोर्ट की मेंबरशिप बाई करते हैं, या फिर आप किसी न किसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की मेंबरशिप बाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपनी मेंबर को करेंट वॉकिंग कस्टमर को जिस रेट पे बेचती है उससे हेवी डिस्काउंट दे करके, हेवी फैसिलिटी दे करके समझ समझ का फेर है। जिन लोगों ने हमारे कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझा है आप जानते ही हो कि आज के डेट में वही लीडर न जाने कई सिटी को लीड कर रहा है, अपने खुद के रैपिड बाजार बनाए हैं, अपने कई सारे काउंटर बना करके बिजनेस का स्वाद ले रहा है, मजा ले रहा है जिंदगी का। बट वही जो लोग इस चीज को ढंग से नहीं समझ पाए उनको लगता है कि हाय मेरे 1000 रुपए चले गए, जबकि वो न जाने वो 1000 रुपए डेली कितना उड़ा देता है। तो चीजों को समझिए, मैंने दोनों चीजें बताए हैं, साथ में चलने वाले के लिए भी मोस्ट वेलकम, ना साथ चलने वाले के लिए भी मोस्ट वेलकम, मगर हम उनके लिए भी खड़े हैं और इनके लिए भी खड़े हैं। रैपिड ग्रुप पहले भी था, रैपिड ग्रुप आज भी है और आने वाले भविष्य में भी रहेगा। चाहे जो भी चैलेंजेस हो, जो भी सक्सेस हो, वो सब आपके साथ शेयर करते होंगे। सो मुझे उम्मीद है कि अब तक की जो क्रिया हैं, आप लोगों का साथ एंड सपोर्ट से जो सफलता मिली है, जो एक रैपिड वॉलेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रैपिड ग्रुप ऑफ कंपनी बनाया आपने, इसे मुझे उम्मीद है कि आप इसे और भी ऊंचाई की तरफ आप लोग लेकर। दोस्तों आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट जो आपके पुराने में लगा हुआ था और कंपनी जो बोल रही है न्यू वाले पे शिफ्ट होइए, यहाँ पे आपको हर कुछ का सुविधा मिलेगा, शॉपिंग मिलेगा, विड्रॉल मिलेगा, रिचार्ज मिलेगा, हर कुछ का आप यहाँ पे सुविधा का आप आनंद ले सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं, ठीक है, विड्रॉल भी हो सकता है, सब कुछ होगा। तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने पुराने में लगाया हुआ था, पुराना आईडी को किस तरह से आप नए में शिफ्ट कीजिएगा, सारा कुछ मैं आपको कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ। तो आप भी अपनी आईडी ओपन करके इसी तरह से कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या प्रिंसिपल अमाउंट है, कितना आपने इन्वेस्ट किया था, तो उतना का आप नए वाले में शिफ्ट कर लीजिएगा। और किस तरह से शिफ्ट करना है, अगर आप अपना आईडी ओपन नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप दिए हुए नंबर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिख रहा होगा, दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करें, मैं आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा और आपको और कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पुराना जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है मैं आपको कैलकुलेट करके सिखाऊंगा किस तरह से करना है। और उसके बाद जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा रेस्ट, उसमें कुछ परसेंटेज, ठीक है, कुछ परसेंटेज और दे के आप न्यू वाले में शिफ्ट करके यहाँ पे आप डेली का अपना विड्रॉल, शॉपिंग, रिचार्ज सब कुछ आप कर सकते हो। तो किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, मैंने एक आईडी खोली हुई है यहाँ पे, देखिए कितना इन्होंने इन्वेस्ट किया था वो आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए 3 लाख है टोटल लॉयल्टी पॉइंट, टोटल लॉयल्टी पॉइंट है 3 लाख, यानी इन्होंने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था। जो भी आपको यहाँ पे टोटल रहेगा उसको जो है यहाँ पे लिख लीजिएगा, 3 लाख था, 3 लाख है, ओके, और इनमें से 3 डिवाइड कर लीजिएगा, यानी इनका 1 लाख इन्वेस्टमेंट था, कितना था 1 लाख इन्वेस्टमेंट था, इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था 1 लाख, ठीक है। उसी तरह से अब इन्होंने 1 लाख इन्वेस्ट किया था और इन्होंने विड्रॉल कितना किया, यानी 1 लाख में से कितना इन्होंने विड्रॉल कर लिया, तो आप आ जाइएगा ऊपर में जब आप आइएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 49,000 इन्होंने विड्रॉल किया था, 4959, यानी 4959 इतना जो इन्होंने विड्रॉल कर लिया था, तो इनमें से इतना हो गया, इनमें से 49,000 का विड्रॉल किया था अप्रोक्सिमेटली, यानी इनका जो अब बचा है 50,405 रुपये बचा है, बट इन्होंने इनमें से और शॉपिंग भी की है, तो शॉपिंग कितना किया वो भी आप देख लीजिए, यहाँ पे 19,973 इन्होंने शॉपिंग किया था। अब जो इनका मूल अमाउंट बन रहा है, इनका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था, 1 लाख इन्होंने लगाया था, 1 लाख में इन्होंने 49,000 का विड्रॉल लिया, ठीक है, और
और 20,000 का शॉपिंग किया, तो लगभग जो है 50,000-70,000 की दोनों शॉपिंग है, तो लगभग 30,000, बट एक्विट देखें तो 30,432 रुपए इनका प्रिंसिपल अमाउंट बन रहा है। तो इनमें से कुछ परसेंटेज और देखें, ठीक है, इनमें से कुछ परसेंटेज और देखें, जो भी आपका 30,000 प्लस जो भी परसेंटेज आपको एक्विट कितना लगेगा, कितना आप मिनिमम से मिनिमम देखे अपने पुराने आईडी को न्यू पे शिफ्ट कर सकते हैं, वो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे इसमें कुछ अमाउंट शिफ्ट करके, जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, इसमें 50% कंपनी बोल रही है तो 50% 15,000, तो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसमें 15,000 का शिफ्ट करते हैं और देखे तो 45,000 लगभग जो है आप न्यू वाले पे आईडी आपका लग जाएगा। इससे भी आपका मैं कम में करवा दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा कितना आपको और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जिससे आप अपने आईडी को मूव करवा सकते, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट बच रहा हो, जिस तरह से मैंने आपको बताया किस तरह से अपने प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं, जो भी आपका टोटल अमाउंट है जिन्होंने जितना भी आपने इन्वेस्ट किया, इतना आपने इन्वेस्ट किया था 1,00,000, 1,00,000 में कितना आपने विड्रॉल कर लिया वो मैनेज कर लीजिएगा, कितना आपने यहाँ देखिए रिडीम पॉइंट है और यहाँ पे यूज पॉइंट है, तो यहाँ पे यूज पॉइंट और रिडीम पॉइंट ईडी लगा हुआ, ईडी यानी आपने यूज किया है, ईडी मतलब यूज किया, तो इन दोनों को मैनेज करके जो भी आपका बच रहा है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, उस प्रिंसिपल अमाउंट को आप न्यू वाले पे शिफ्ट करके आप डेली का विड्रॉल रिचार्ज शॉपिंग सब कुछ का आप आनंद ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको न्यू वाले में आईडी लगाना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं पुराने आईडी को न्यू में शिफ्ट करना, तो उसके लिए आप अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ और पिन कोड, ये सारी चीज़ें आप मुझे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपका मैं न्यू वाले पे रजिस्ट्रेशन करके आपके न्यू वाले आईडी बना के और पुराना का जो भी आपका अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट उनमें से कितना और एक्स्ट्रा कुछ परसेंटेज आपको कितना देना होगा वो आपको मैं बता दूंगा, दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा अपनी पुरानी आईडी और आपका नाम और ये डिटेल्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये डिटेल्स भेज दीजिएगा ताकि आपका पुराने से न्यू वाले पे मैं आपका शिफ्ट करवा दूं। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि जितने भी लोग बचे हुए हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है पुराने वाले रैपिड बाजार में, तो वो अपना अभी विड्रॉल रिचार्ज शॉपिंग सब कुछ का आनंद लेके अपना प्रिंसिपल अमाउंट से निफिक्र हो सकते हैं जितना भी उन्होंने लगाया था, क्योंकि अभी बहुत लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, लोगों को लग रहा है कि ऐसा नहीं है, पैसा आपका वेस्ट नहीं होने वाला है, पैसा आपका वेस्ट नहीं होने वाला, आपका पूरा का पूरा आपको जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट था उतना कंपनी देने के लिए तैयार है। तो क्या माध्यम है, किस तरह से देना, मैंने आपको जस्ट बताया, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें कुछ परसेंटेज देके कुछ परसेंटेज देके आप पुराने आईडी को न्यू में शिफ्ट करके यहाँ पे अपना विड्रॉल रिचार्ज सब कुछ का आप आनंद ले सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट को आप निकाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और प्लीज जितने भी रैपिडियंस ऑल हैं, जितने भी आपके अगल बगल जो भी जानने वाले हैं जिन्होंने रैपिड बाजार में पहले पैसा इन्वेस्ट किया था, उनका पैसा निकलवाने में हेल्प कीजिए, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो भी मुझसे कॉन्टेक्ट करके अपना पुराना आईडी से न्यू वाले में शिफ्ट करके अपना पैसा विड्रॉल करें। थैंक यू सो मच।